नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा बक्सर में हैं। पहले रालोसपा पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन अपनी पार्टी का विलय उन्होंने कर दिया जदयू में। आज जब पत्रकारों का सामना करना पड़ा तो बहुत से सवालों को वो टाल गए। पत्रकारों ने पूछा कि जब आप रालोसपा में अपनी पार्टी बनाए थे तो उस समय शिक्षा की बड़ी चिंता थी, क्या बिहार की शिक्षा आज सुधर गई है कि आप शिक्षा के ऊपर कुछ भी नहीं बोलते? उसका भी जवाब उन्होंने दिया, लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल पत्रकार ने कर दिया कि आपकी गाड़ी में हूटर क्यों बजता है? आप कौन से प्रोटोकॉल के तहत हैं कि आपकी गाड़ी में हूटर बजता है? किसी भी सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। उनके नेताओं ने पत्रकारों से क्या क्या कुछ कहा है सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं, पत्रकारों के सवाल का जवाब किस तरीके से दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। एक है कि बिहार यात्रा है या शक्ति प्रदर्शन। कोरोना को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बयान दिया है कि अगस्त के पहले सप्ताह में कोरोना का तीसरा लहर आ सकता है। तो क्या आपको इस तरह के सभा करने की अनुमति, एक बंद कमरे में इस तरह से भीड़ लगा हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है या फिर पार्टी का मिलन समारोह, ये क्या सवाल है? और जिस तरह से कल 200 गाड़ियों के काफिला लेकर के आप हूटर बजाते हुए पूरे इलाके में घूम रहे थे, तो ये हूटर बजाने की इजाज़त आपको किसने दिया है? हमारे पास वीडियो देते हैं आपको। मेरी गाड़ी में बज रहा है। हाँ, आपकी गाड़ी बज रहा है। आपकी गाड़ी का वीडियो, आपकी गाड़ी के बगल में जो बज रहा है, आपका सब बगल में बोल रहे। देखिए, तमाम चीजों पर कंट्रोल नहीं हो पाता। माफ कीजिएगा, आप लोग भी यहाँ हैं, आप लोग भी अब इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, यहाँ पालन हो रहा है क्या प्रोटोकॉल का? आप लोग भी, हम लोग को तो कुर्सी है। आपने किसी को पत्रकार की कुर्सी पर कार्यकर्ता बैठा तो फिर पत्रकार खड़े ही रहेंगे ना? चल ठीक है सर, एक सवाल दूसरा ये है कि शिक्षा को लेकर के आप जब अपने पार्टी अलग रखे थे तो आपने कई तरह का आंदोलन किया था, आपने कई तरह का बयान दिया था, पार्टी बदलते ही आपके सिद्धांत भी बदल गई। शिक्षा के बारे में आपका आपको कोई बयान नहीं आ रहा, क्या शिक्षा सुधर गया? केंद्रीय विद्यालयों के लिए, केंद्रीय विद्यालयों के लिए आपने कहा था कि सरकार एनओसी नहीं दे रही है, अब तो सरकार में आप हैं। जवाब तो देने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए। हाँ सर, एक तो आरोप यह लगाना कि सिद्धांत बदल गया, माफ कीजिएगा, आपका आरोप बिल्कुल निराधार है। जब जब पत्रकार बंधुओं ने मुझसे यह सवाल पूछा है, अगर उस सवाल का जवाब आप सुन गए होते तो मेरे सवाल पर आपकी आपत्ति हो सकती थी, लेकिन यह कह देना सीधे कि आपका सिद्धांत बदल गया, कम से कम ऐसा नहीं करते। जब विपक्ष की भूमिका में थे हम, तो स्वाभाविक रूप से हमारा धर्म था सड़क पर आंदोलन करना, जिस धर्म का हम पालन करते थे। जब जिस भूमिका में आदमी होता है उस धर्म का पालन करना चाहिए। आज हम सत्ता में हैं, शिक्षा में बेहतर और सुधार हो सके, बेहतर से बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो सके, तब आंदोलन करने की हमारी भूमिका थी। अब तो हम सरकार में हैं तो हमारे लिए तो और सहूलियत है कि अब मांग नहीं, आंदोलन नहीं करना है। अब बैठ करके शिक्षा मंत्री जी से कई राउंड हमारी बात भी हुई है, जिसका परिणाम कुछ दिनों में दिखेगा आपको। तो अब तो हम सरकार के साथ बैठ कर उनका सॉल्यूशन करने की ओर है, लेकिन रोज रोज का कोई बुलेटिन तो जारी होगा नहीं, आज शाम में कितना हुआ, आज सुबह में कितना हुआ, बुलेटिन तो जारी नहीं होगा। केंद्रीय विद्यालय का मामला, तमाम मुद्दा मेरे ध्यान में है आज भी, इसको ऑन रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और उसके क्या कुछ होना है देखिएगा। तो आपने सुना, ये थे उपेंद्र कुशवाहा। किसी भी पत्रकारों के सवाल का सही से जवाब नहीं दे पाए हैं। रालोसपा में थे जब मंत्री भी थे तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा नीति में बदलाव से लेकर सब कुछ, लेकिन जब पत्रकारों ने पूछा है कि शिक्षा नीति, क्या बिहार में शिक्षा सुधर गई कि आप चुपचाप बैठ गए जदयू में विलय होने के बाद, कोई जवाब नहीं था उपेंद्र कुशवाहा के पास। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।